Hello guys, welcome to another video, and yes, this is the review of this helmet. So let's take a look. का ऑफ रोड हेलमेट जो जिसके बारे में मैं आपको रिव्यूज देने वाला हूँ, जो मेरे खुद के अपने पर्सनल रिव्यूज हैं, सो आप आके देखते रहिए। तो गाइस, जहाँ से मैंने इस हेलमेट को खरीदा था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जहाँ मैंने इसको 1650 कुछ रुपीज में मैंने इस हेलमेट को मैंने बाय किया था अमेजोन से। तो आप इसका लिंक देख के आप इसे बाय कर सकते हैं। तो गाइस, तो इसका कलर मैंने डल ब्लैक के लिया है, और इसके साथ मेरे को एक ये पन्नी, इस पन्नी के अंदर मेरे को पैक होके ये हेलमेट मिला था, और साथ ही साथ इसका यूजर मैनुअल भी मिला था, जिसके अंदर आपको इस हेलमेट को चेक कैसे करते हैं, मतलब फिटिंग का इसमें ये बताया है, और कैसे हम इस हेलमेट को खराब मतलब डैमेज ना हो, प्रिवेंशन इसके बारे में बताया, और इस हेलमेट को हम क्लीन कैसे कर सकें, ये सभी सब चीज़ इसी यूजर मैनुअल पर लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। है ये स्टिकर मेरे को कहाँ से मिला, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप एक और मेरी वीडियो देखेंगे, उस वहां से मेरे को स्टिकर मेरे को मिला है। मैंने एक राइडिंग ग्रुप को ज्वाइन किया था, तब ये मेरे को मिला था। और यहाँ पे एक ये भी आपको थोड़ा ये अजीब सा दिख रहा होगा, ये मैंने माउंट के लिए लगाया हुआ था, तो इसे तो आप इग्नोर ही करिए। अब बात करते हैं मेरे खुद के इस हेलमेट के पर्सनल व्यूज के बारे में। मैं वैसे कोई रिव्यूज ज्यादा मैं ऐसे करता नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना पर्सनल व्यू आपके इस हेलमेट के बारे में बताता हूँ। तो इस हेलमेट में हमें सबसे पहले दो वाइजर मिला है, एक तो ये फ्रंट वाइजर आप देख सकते हैं, और एक ये है सनग्लासेस वाइजर। तो सनग्लासेस वाइजर तो काफी अच्छा है, जब ज्यादा सनशाइन हो तो फिर ये आपको काफी मतलब देखने में आपको काफी अच्छा व्यू मिलता है आपको, इससे आंखों में आपके ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं होता है। और ये जो बड़ा वाइजर है, इसके अंदर आपको काफी मतलब एयर कवर्ड है, ज्यादा अंदर आपको हवा का ज्यादा महसूस नहीं होगा। तो मेरे को सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत क्या आई थी कि अगर मैं इस वाइजर को इस तरह से खोल के चलाता हूँ, मतलब अगर सनग्लासेस ऊपर है, अगर मैं इसको खोल के इस तरह से चलाता हूँ, तो मेरे को आगे का व्यू मेरे को दिखता है, लेकिन ये थोड़ा मेरे को ऑब्स्टेकल सा लगता है, ये थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम सा करता है। तो इसे जब भी बाइक मेरे को मैं निकालता हूँ, जब भी मैं राइडिंग पे निकलता हूँ, तो हमेशा इस वाइजर को मेरे को बंद ही करना पड़ता है। अब मैं चाहे इसको खोलूं या फिर ये सनग्लासेस खोलूं, अगर मैं सनग्लासेस को भी खोल के ऐसे चलाता हूँ, तब भी ये एक तरह ऑब्स्टेकल का काम करता है, अगर आगे का व्यू में मतलब थोड़ा सा चेंजेस ही मेरे लिए क्रिएट करते हैं। जो साइड एंगल व्यू है वो मेरे को काफी अच्छा मिलता है, मतलब जो मेरा जो पुराना हेलमेट था उससे तो काफी ज्यादा ही अच्छा मेरे को इसमें से मेरे को फील हुआ है। इसमें इस हेलमेट के साथ वैसे मैंने काफी हाई स्पीडिंग भी कर रखी है, और नॉर्मल भी मैंने ड्राइविंग कर रखी है इस हेलमेट के साथ मैंने, और काफी लंबी राइड भी करी है, ज्यादा लंबी राइड नहीं, मतलब मे बी 50-60 किलोमीटर की मैंने इसके साथ हेलमेट के साथ मैंने राइड करी है। तो मेरे को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को किसी भी तरह की मेरे को इस हेलमेट में कोई नजर नहीं आई, इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हाई स्पीड में भी। ये जो इसका ऊपर का है, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे सा महसूस होता है, तो बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा इसका मेरे तरफ से इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। तो ये हेलमेट मेरे को मेरे पुराने वाले हेलमेट से थोड़ा सा ये हेलमेट मेरे को हैवी सा मेरे को महसूस हुआ है, तो ये थोड़ा हेलमेट नॉर्मल से थोड़ा हैवी है ये हेलमेट, तो इसमें तो ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यूजर मैनुअल पे पढ़ा था कि नॉर्मली हम हेलमेट को अक्सर इस तरह से हाथ डाल के हम अक्सर हैंग कर लेते हैं, इस तरह से इसमें यूजर मैनुअल पे लिखा है कि इसे इस तरह से हैंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो यहाँ के जो रबड़ है, और यहाँ जो मैं आपको अंदर के जो ये रबड़ मैं दिखाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है कि ये सब खराब हो जाएंगे, तो इसे भी आपको पकड़ना पड़ेगा, तो हमेशा आपको इस तरह से ही आपको इसे केयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हेलमेट आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स देगा।
साथ ही साथ आप इस हेलमेट के इंटीरियर्स को भी निकाल के आप इसे पानी से धो सकते हैं। अंदर रिमूवेबल है ये, अंदर आप आराम से इसे धो भी करें, अच्छे से सुखाने के, मतलब डायरेक्ट सनलाइट पे ना रख के नॉर्मल जो थोड़ा वार्म एरिया है वहाँ पे आप रख के इसे सुखा के वापस इस पे आप लगा सकते हैं। तो ये तो काफी अच्छी चीज है, इस नॉर्मल हेलमेट से तो ये काफी अच्छी चीज है। और वैसे भी आजकल के थोड़े जो प्राइस्ड हेलमेट है उसमें ये चीजें तो आ रही है। वैसे तो मैं अगर अपने व्यू से आपको बताऊं कि आपको अगर ये हेलमेट लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको वाइजर खोल के अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है तो आप इस हेलमेट को थोड़ा आपको दिक्कत होगी इस हेलमेट में, क्योंकि ये वाइजर अगर आप छोटे राइड के लिए भी जाएंगे तो आपको अगर आप खुला भी रखेंगे इसे थोड़ा सा भी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको इसे बंद ही रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी लिए आपके लिए दिक्कत के लिए आपके बात कर सकता है, आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है आपके लिए। नहीं तो जिन लोगों को वाइजर बंद करना हो, वाइजर तो बंद करके ही हमें चलानी चाहिए, तो वाइजर बंद करके आप इसे आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की महसूस नहीं होगी आपके। और सबसे बड़ी चीज आपको इसमें मेरे को अजीब लगी कि रात को अगर आप इस वैसे तो सनग्लासेस कोई खोलता नहीं है, तो रात के वक्त अगर आप इसे गलती से खोल भी लेते हैं तो आप सोचेंगे कि आपको सामने दिख रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो आपकी वो रहेगी लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो यही सब थी आज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको और भी कुछ इस हेलमेट के बारे में पता है तो आप जरूर कमेंट पे भी आप जरूर लिखें, और इस वीडियो को और आपको पसंद है तो और आप दूसरों को भी शेयर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।